बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है आपका एक अपडेट है, ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल वाले जो कैंडिडेट हैं, जिन कैंडिडेट ने भी ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल के अंडर अप्लाई किया है, जिसमें कि आपका GNM कोर्स है, आपके डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जिसमें कि आपका एक्सरे, उसके बाद में आपका लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस, एक्सरे, ECG, ठीक है। ऐसे करके जो है आपके और भी काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। कैंडिडेट जो है वो काउंसलिंग के टाइम में अपने अपने हिसाब से जो जो उनको कोर्स करना है वो उस कोर्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के टाइम में, ठीक है। चाहे वो पैरामेडिकल कोर्स करना हो, चाहे नर्सिंग कोर्स करना हो, जो कि है आपका GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल वालों का एंट्रेंस नहीं होगा, बट जिन कैंडिडेट ने लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई किया है, यानी कि जिन कैंडिडेट ने पहले फीमेल मल्टीपर्पज़, मेल मल्टीपर्पज या ANM की हुई है, उन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था लेटरल एंट्री के लिए, उन कैंडिडेट का जो है वो एंट्रेंस होगा। उसकी जो है वो ऑलरेडी डेट आ चुकी है, उसका एडमिट कार्ड अलग से आएगा लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स का, ठीक है। इसमें देखें आपने साफ साफ लिखा है अदर डिप्लोमा एक्सक्लूडिंग, ओके। अगर इंक्लूडिंग GNM लेटर एंट्री लिखा होता तो देन आपका भी जो है वो आपके फीमेल मल्टीपर्पज़ के मार्क्स के हिसाब से आपकी लिस्ट मेरिट लिस्ट आउट होती, लेकिन GNM लेटर एंट्री वाले को छोड़ के, क्योंकि उनका एंट्रेंस यहाँ पर जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, उसकी जो है वो वीडियोज़ MCQs की ऑलरेडी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर जो है आपका ट्वेल्थ बेस वालों का जो है वो एंट्रेंस नहीं होगा, आपके जो है ट्वेल्थ की परसेंटेज उसके बेस पे जो है आपको गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट सीट्स मिलेंगी। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके लिए जो है वो आपको अलग से एक सबसे पहले जो है वो एक टेंटेटिव जो है वो एक लिस्ट आउट होगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट, जिसमें भी उस किसी की परसेंटेज गलत होगी या मार्क्स गलत होंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत होगी, तो वो आपको विद इन फ्यू डेज मिलेंगे आपको करेक्शन के लिए। देन करेक्शन करा के देन आपकी फाइनल लिस्ट आउट होगी, फाइनल लिस्ट के बेस पर जो है वो आपकी काउंसलिंग जो है वो एक काउंसलिंग के लिए जो है वो आपकी लिस्ट आउट होगी, जिसमें कि आपके रैंक नंबर, कितने रैंक से कितने रैंक तक के कैंडिडेट किस डे को काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो अगर जिन कैंडिडेट्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी गवर्नमेंट सीट्स उन्हीं को मिलेंगी। इसी तरह से सीट्स हर दिन फुल होती जाएंगी जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है, यहाँ पर आकर आपकी गवर्नमेंट की सीट्स फुल हो जाएंगी, देन वहाँ से आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेज अलॉट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा पूरा आपका ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल को, और ये था आपका अपडेट। ये जो है आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, ओके। जो कैंडिडेट यहाँ पर अपनी मार्क्स कार्ड जो है वो अपलोड करने में उनको जो है फेलियर आ रहा था, बार बार सबमिशन में जो आ रहा था, तो आप रेगुलर जो है वो आप अपनी वेबसाइट पर बने रहें, आपको कोई भी अपडेट होगा लेटेस्ट तो हम बता देंगे। पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।